आयुष्मान खुराना एक ऐसा हीरो है जो अपने कैरेक्टर को लेके एक्सपेरिमेंट करना जानता है। वह एक्टर तो अच्छा है ही, गट्सी भी है, अलग कुछ करने में विश्वास रखता है। वो एक ही टाइप का घिसा पीटा रोल नहीं करता या करना नहीं चाहते। आयुष्मान खुराना का रोल हमेशा हटके होता है, जैसे वीकी डोनर, ड्रीम गर्ल, बाला। इस महीने उनकी एक नई फिल्म रिलीज हो रही है 27 मई को। मूवी का नाम है अनेक, मतलब काफ़ी सारे। हमारे भारत देश में अनेक स्टेट है, अनेक कल्चर है, अनेक भाषाएं बोली जाती है। इस फिल्म में इस अनेक वाली बात को अच्छे से उठाया गया है। तो इस फिल्म का ट्रेलर तो देखा ही होगा आपने। आयुष्मान खुराना एक नए अंदाज में नजर आएंगे आपको, एक अंडरकवर एजेंट के किरदार में। ये फिल्म बेस्ड है ऑन द पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अलगाववादी को लेकर किस तरह अपना हीरो इश्यूज टैकल करता है और वहाँ के लोकल्स को कैसे अपनी ज़िंदगी किन हालातों में जीते हैं, वो इस फिल्म में दर्शाया गया है। ये पूरी फिल्म इसी स्टोरी पर बेस है। इस फिल्म के लीड एक्टर हैं आयुष्मान खुराना एज जोशुआ, अभिनय राज एज राज जय एंड शरीक खान एज जोशुआज फ्रेंड। एड्रिया कैविचुसा वो अनेक फिल्म से अपना डेब्यू कर रही हैं। एंड्रिया एक प्रोफेशनल मॉडल है नागालैंड से। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अनुभव सिन्हा, उन्होंने रावण, थप्पड़, आर्टिकल 15, मूल जैसे फिल्म डायरेक्ट की है। सिनेमेटोग्राफर है एवॉन मुलिगन और धनंजय नवग्रह। इस फिल्म के एडिटर है यश रामचंदानी। म्यूजिक दिया है मंगेश धाकड़े ने और प्रोड्यूसर है भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और अनुभव सिन्हा। स्टोरी एंड डायलॉग लिखे हैं अनुभव सिन्हा ने। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस फिल्म का बजट 90 से 100 करोड़ तक का है, लेकिन इसे ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है अब तक। इस फिल्म की स्टोरी अच्छी है, डायरेक्टर के प्रीवियस फिल्म भी अच्छे रिजल्ट दिए हैं। आयुष्मान खुराना एक अच्छा एक्टर है। इस फिल्म में उन्होंने एक एक्शन हीरो का किरदार निभाया है। ट्रेलर भी काफ़ी अच्छी तरह से बनाया गया है। हो सके ये फिल्म बॉक्स ऑफिस टच करे। आप क्या सोचते हैं इस फिल्म के बारे में कमेंट ज़रूर करें। मेरा ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती रहे और आपके सामने नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड स्टे सेफ।